संदेश उपदेश देते हुए कहा, यज्ञम परतु छाम्यवम सतदूधूतो विमोचति पूर्वयम गतम कस्तदि विभारत है तस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्य समन्वित महामत एकाधीय शिष्य शाखा समन्वित। और अंतिम महापुरुष ने जब मजहब इस्लाम का परिचय सारी इंसानियत और मानवता के सामने करवाया तो आप सलातो सलाम का जो जुमला था जो आपकी जबान से निकला था, अद्दीन वन नसीहा, ये जुमला था अद्दीन वन नसीहा कि इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस, इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है दूसरे के सम्मान का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का, अरे इस्लाम नाम है तलवार चलाने वाले को माफ करने का। अंतिम महापुरुष ने ये संदेश और आदेश दिया। खुदा की कसम इसी के पादेश में आप अलैहिस्सलाम को इसी के पादेश आप अलैहिस्सलाम को इसी वजह से परेशान किया गया। आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा गया, आपकी हाउसिंग के फैसले किए गए, आपके चेहरे पर फूंका गया, आपके कब्र का मंसूबा बनाया गया, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए। आज जो लोग तब दावत और तबलीग को बदनाम करते, मैं डंके की चोट आपके जलसे दस्तारबंदी से और इस्लाह माशरा से ये पैगाम ये संदेश और आदेश देना चाहता। याद रखो, अगर ये इस्लाम खुदा की कसम, अगर ये इस्लाम नफरत फैलाता, अगर ये इस्लाम मजहब इस्लाम या ये तबलीगी जमात दहशत गर्द होती तो खुदा की कसम कभी भी ये एक दूसरे को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश न देते। अरे ये तो वो मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश देते कि अपना झोला अपना डंडा लेकर जाते हैं और तमाम लोगों को जो लोग बेराह रवि इख्तियार करते हैं, जो लोग दहशत गर्दी की तरफ जाते हैं, जो लोग पाप करते हैं, ये इस्लाम और ये तमाम के तमाम इस्लाम को स्वीकार करने वाले, दावत और तबलीग को मानने वाले, दावत और तबलीग के उमूर अंजाम देने वाले उन तमाम लोगों को जोड़ते हैं, मस्जिद तक लाते हैं और उन्हें कहते हैं पढ़ो ला इलाहा हरने पापम इल्लल्ला परम पदम जलम बेकुम पातलोती जपे नाम मुहम्मदम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्ला, ला इलाहा इल्लल्ला की मेहनत करो। ये तो ला इलाहा इल्लल्ला की मेहनत करने और करके तमाम लोगों को उस पर चलने के लिए सिखाते हैं, नमाज की दावत देते हैं। इसके पादाश में इन लोगों पर भी कभी कभी जुल्म किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। आपने पहले लॉकडाउन में देखा होगा दावत और तबलीग को एक बंद बनाकर पेश करने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद सऊदी हुकूमत ने भी ऐसी चाल चली। याद रखो, यही वो दावत और तबलीग का डेरा है, यही वो दावत और तबलीग की मेहनत है, यही वो संघर्ष है। इसकी वजह से बहुत से लोग बगैर करने के मरते थे, बगैर नमाज़े जनाज़ा के मरते थे। दावत और
पहले तबरी के थी जब के ताइफ गए, पहले तबरी के थी जब के ताइफ गए, मिल के कुफार पत्थर लगे मारने, मिल के कुफार पत्थर लगे मारने, खून तबसे उबा रख में तल में जमे, उनके हक में दुआ आप करने लगे, चुर जख्मों से बदन, चुर जख्मों से बदन, देती दिल को थी चुभन, देती दिल को थी चुभन, चुर जख्मों से बदन, लब पे जारी थी दुआ, मुस्तफा सल्ले अला, मुस्तफा सल्ले अला, सब बुलंद आवाज से कहिए मुस्तफा सल्ले अला, मुस्तफा सल्ले अला। रात की तारीखी में अंतिम महापुरुष के पास आता, आने का अंदाज बड़ा अजीबोगरीब है, हाथ में नंगी तलवार लेकर आता है, कलाम बख्ता खाना है, ना अदब है ना इहतराम है, आकर कहता है ऐ मुहम्मद मैं तेरा मेहमान हूँ, दूर से आया हूँ, थका मानता हूँ, सबसे पहले तुम मुझे भोजन करो। ओ दुनिया वालों, अपने आप को इशाक नबी कहने वालों, जरा मेरे नबी का अखलाक देखो, मेरे नबी का किरदार देखो, आप अलैहि सलातु व सलाम का कैरेक्टर देखिए, आप अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया आप तशरीफ रखिए, आप यहीं पर तशरीफ रखिए, आप अलैहि सलाम घर जाते हैं, दस्तरखान लाते हैं, माँ हजर दस्तरखान पर पेश कर देते हैं, यहूदी भामले से दस्तरखान पर बैठता है, खुदा की कसम न सुन्नत का ख्याल करता है, न मेरे नबी का ख्याल करता है, रोटियां तोड़ तोड़ कर कुछ खाता है, कुछ जमीन पर गिराता है, आप अलैहि सलातु व सलाम निगाह नबूवत से देख रहे हैं कि आज मेरे ही दस्तरखान पर मेरी सुन्नत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन आपने न रोका न टोका न बुरा भला कहा, बल्कि आप अलैहि सलातु व सलाम ने उनका सम्मान किया, उनकी इज्जत की, उनका अदब और एहतराम किया, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद वो यहूदी कहता, वो क्रिश्चियन कहता, ऐ मोहम्मद मैंने आपको आजमाया, आपने मुझे खाना भी खिलाया, आपने मुझे पानी भी पिलाया, आपने मेरा अदब और एहतराम भी किया, अब मेरे आराम के लिए बिस्तर लगा दो। ओ दुनिया वालों, याद रखो आपके गले की बिस्तर मुबारक था, उसी पर आप आराम करवाते थे, उसी पर दान पुरुष सईदुल मलाइका हजरत जिब्रील की तशरीफ लाते थे, ईश्वर और परमात्मा की तरफ से संदेश और आदेश लेकर, यज्ञम परचो छाम यमम सतदूधूतो विमोचति, खुदा की कसम आप अलैहि सलातु व सलाम पर ईश्वर और परमात्मा की तरफ से संदेश और आदेश लेकर आते, आप अलैहि सलातु व सलाम का बिस्तर मुबारक पाको साफ था, लेकिन यहूदी काफिर था, नापाक था, कुफ्र के दलदल में फंसा हुआ था, लेकिन मेरे नबी का मेहमान था, आप अलैहि सलातु व सलाम ने वो बिस्तर उस मेहमान को पेश कर दिया। वो यहूदी सोचने लगा दिल ही में, मैंने मोहम्मद को हर तरह से आजमाया, बिल्कुल हक पाया, सच पाया, खरा पाया, उनका अखलाक और किरदार वाला पाया, लेकिन एक मरतबा और आजमाऊंगा, तब पता चलेगा कि क्या ये वही मोहम्मद है जिसके अखलाक और किरदार के बारे में मैंने तौरे जबूर और दीगर किताबों में सुना है। वो यहूदी आप अलैहि सलातु व सलाम के बिस्तर पर पेशाब करता है, पाखाना करता है, बिस्तर को नजीस और नापाक करके खुदा की कसम रात की तारीकी में अपने घर की तरफ दवा दवा हो जाता है, अपने घर चला जाता है, रास्ते में था, इधर आप अलैहि सलातु व सलाम आते हैं, देखते क्या है, बिस्तर खाली है, बिस्तर से बदबू आ रही है, मेहमान कायम है, आप अलैहि सलातु व सलाम ने जैसे ही देखा, आप अलैहि सलाम अपना सर सजदे में रखकर रोने लगे, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ जमीन को जमा को, मक्की को मका को, आसमानों को जमीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मैंने अपने मेहमान की खबर गिनी नहीं की, तो मेरी गलती को माफ फरमा। फिर आप अलैहि सलातु व सलाम अपना सर सजदे से उठाते हैं और अम्मा आयशा सिद्दीका से फरमाते, ऐ आयशा अपने हाथ में लोटा लो, लोटे में पानी लो, अम्मा आयशा सिद्दीका लोटे में पानी लेती है,
उसी वक्त उसी लम्हे जिस वक्त आप बिस्तर को साफ कर रहे थे, मेरे आका का सच्चा भगत सच्चा गुलाम बिलाल हबशी आ गया। बिलाल हबशी उस मंजर को देखकर तड़प गया और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपका खादिम और गुलाम हूँ, आप ये काम मेरे सुपुर्द कीजिए, आप बिस्तर साफ मत कीजिए, मैं आपका सच्चा भगत हूँ सच्चा गुलाम हूँ, आप ये काम मेरे सुपुर्द कीजिए। लेकिन आप पाकिस्तान वाला है। याद रखो हिंदुस्तान के तो हाथ है, हिंदुस्तान के तो पैर है, हिंदुस्तान की तो आंखें हैं, हिंदुस्तान के तो कान है, हिंदुस्तान का एक हाथ अगर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है, एक आंख हिंदू है तो दूसरी मुस्लिम है, एक पैर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है। जब तक हिंदू मुस्लिम का प्रेम बाकी रहेगा, हिंदू मुस्लिम का सम्मान बाकी रहेगा, खुदा की कसम हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब बाकी रहेगी, रहेगी या नहीं, इंशाल्लाह उस वक्त तक हिंदुस्तान की ये गंगा जमुनी तहजीब बाकी रहेगी। इसीलिए कहा अल्लामा इकबाल ने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सब बुलंद आवाज से कहिए ताकि पता चले हिंदू मुस्लिम का फर्क बोल रहा, ये पक्का हिंदुस्तानी बोल रहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। इंशाल्लाह हम सब अपनी मोहब्बत प्रेम और सम्मान के जरिए इस हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को इंशाल्लाह बम और बारूद का ढेर नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को बाकी रखेंगे, रखेंगे इंशाल्लाह। भेदभाव करने वाले भी भेदभाव करते रहे, जैसे आप एक मुसलमान सुबह सवेरे नमाज पढ़ के एक जंगल के करीब से गुजर रहा था, एक चिड़िया एक पक्षी बड़ी अच्छी आवाज से कह रही थी, सुभान
तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। एक पंडित जी का गुजर हुआ, उस मुल्ला जी ने कहा कि यार देखो चिड़िया कितनी अच्छी आवाज से ईश्वर की वंदना कर रही है, कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। उसने कहा कि चिड़िया सुभान तेरी कुदरत नहीं कह रही है, बल्कि चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। दोनों आपस में हाथापाई कर रहे हैं। एक तीसरा बनिया आया, उस बनिया ने कहा तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? कहा यार देखो चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, लेकिन ये कह रहा चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ। कहा तुम दोनों गलत, चिड़िया ना कह रही है सुभान तेरी कुदरत, ना कह रही है सीताराम दशरथ, बल्कि चिड़िया कह रही है नून दे अदरक, नून दे अदरक, नून दे अदरक। अब तक दो की लड़ाई थी, अब ये तीसरी पार्टी आ गई, अब ये तीसरा आ गया। तीनों आपस में हाथापाई करने लगे। एक पहलवान का गुजर हो रहा था, उस पहलवान ने कहा तुम तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? कहा यार देखो चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, ये पंडित जी कह रहे चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ। ये बनिया आ गया, ये तीसरा बनिया कह रहा है चिड़िया कह रही है नून तेरे अदरक। कहा आप ही फैसला कर दीजिए, आपका जो फैसला होगा सारे तस्लीम हम है मिजाजे यार के आगे, हम सब उसे स्वीकार करने को तैयार है। कहा अगर नहीं मानोगे मेरे हाथ में डंडा है, इस डंडे से मैं लड़ूंगा, लाल डंडा खाए डंडा हर मजा डंडे में है, लग गया फिरौन के सब की कजा डंडे में है, डंडे के आगे तो सबको झुकना पड़ जाता है। कहा ठीक है आपका जो फैसला होगा, आपका जो जजमेंट होगा, दाल बनकर सेठ को दे रहे पोस्टर से भी मिल ड्राइव यू आउट ऑफ पार्लियामेंट, आपका जो फैसला होगा, जो जजमेंट होगा, हम सब उसे स्वीकार करने को तैयार है। कहा सुनो चिड़िया ने कह रही है सुभान तेरी कुदरत, ना कह रही है सीताराम दशरथ, ना कह रही है नून तेरा दर, बल्कि चिड़िया कह रही है उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत। और डंडा घुमाना शुरू किया, थोड़ी देर के बाद देखा तो वो उधर भागा, वो उधर भागा, वो उधर भागा। जो रिश्ता रब से टूटेगा तो क्या क्या पूजना होगा, जो रिश्ता रब से टूटेगा तो क्या क्या पूजना होगा, कभी पत्थर खुदा होंगे तो सूरज देवता होगा, कभी पत्थर खुदा होंगे तो सूरज देवता होगा। तुम्हारा हाल क्या होगा? आज मैं स्पष्ट और क्लियर कर देना चाहता हूं कि वो चिड़िया क्या कह रही है। हर इंसान मुसीबत और परेशानी में किसे पुकारता है? यह नहीं है मैंने जानता, यहां पर क्या मेरे पास, इधर आइए, यहां आ गया। किसको पुकारता है? हर इंसान, दुनिया के तमाम व्यक्ति किसकी वंदना करते हैं? मुसीबत और परेशानी में हमारा वक्त किसको पुकारता है? चिड़िया, उस पंडित ने कहा चिड़िया कह रही है, पक्षी कह रही है सीताराम दशरथ, सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी, श्रीमती सीता श्री रामचंद्र जी की वाइफ, राम श्री रामचंद्र जी, दशरथ श्री रामचंद्र जी के फादर और पिता का नाम था क्या था? महाराज दशरथ। तो बताओ मुसीबत और परेशानी में वो चिड़िया सीताराम दशरथ कहेगी या ईश्वर की वंदना करेगी? ईश्वर को नहीं पुकारेगी। स्पष्ट हुआ कि मुसीबत और परेशानी में दुनिया की तमाम चीजें ईश्वर की वंदना। वो बनिया कह रहा था चिड़िया कह रही है नून तेल अदरक, चिड़िया को नून तेल अदरक से कोई वास्ता है? और वो पहलवान कह रहा था चिड़िया कह रही है उठो बैठो कसरत,
अरे चिड़िया पहलवानी करके क्या करेगी कमर जमान साहब, चिड़िया पहलवानी करके क्या करेगी। अब एक चौथी चीज कह गई है, सुभान तेरी कुदरत। सुभान का अर्थ है पाक और पवित्र। हा ईश्वर परमात्मा तू ही पाक और पवित्र है, तू ही सारी इंसानियत की रक्षा करने वाला है। हम तेरा ही गुणगान कर रहे हैं, तेरी ही भक्ति कर रहे हैं। खुद हिंदू भाइयों का गायत्री गायत्री मंत्र कहता, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कायनात का जर्रा जर्रा, संसार का जर्रा जर्रा हमारा ईश्वर की पूजे प्रार्थना करता। साफ वाजे हो गया कि चिड़िया क्या कह रही थी, सुभान तेरे कुदरत। हाय ईश्वर परमात्मा, पाक भी तू है, पवित्र भी तू है, पावन भी तेरा है। हम सब तेरा ही गुणगान कर रहे हैं, हम सब तेरे ही भक्ति और वंदना कर रहे हैं।